पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। शहर कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर ने राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वर्तमान समय में 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू भारत जोड़ो यात्रा नागालैंड अरुणाचल से होते हुए असम में प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा से हमारे देश में युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहे लोगों के प्रति न्याय की मांग की जा रही है, किंतु अफसोस है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एवं केंद्र की भाजपा सरकार के सह पर इस यात्रा का योजनाबद्ध तरीके से बाधित किया जा रहा है। 21 जनवरी को भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा पर हमला कर दिया गया, जिसमें असम के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता घायल हो गए। यह और कुछ नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार की प्रशासनिक विफलता छुपाने व हताशा भरा प्रयास है। आइए सुनते हैं कि इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जनपद मिर्जापुर के पदाधिकारीगण क्या बता रहे हैं। राजधर दुबे, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी मिर्जापुर। जिलाधिकारी को आपने पत्रक सौंपा है, क्या मांगे? मांगे है कि आसाम की सरकार निर्दयता पूर्वक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ईंटा और पत्थर चला रही है। ऐसे सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसका आचरण, व्यवहार, संस्कार एकदम दुष्टता और हरकतपूर्ण है। उसके खिलाफ हम कांग्रेस के लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को और असम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर अपने रुख में परिवर्तन नहीं किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको गांधीवादी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग कांग्रेस के लोग मिर्जापुर मुख्यालय पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल जी पूरे देश की हर न्याय के लिए, जनता के लिए, व्यापारी के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए, हर तरह के लोगों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। उसी में असम सरकार जो मोदी जी के इशारे पर या दुष्भावना प्रेरित हो करके एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि राम मंदिर में पूजा पाठ और दूसरी तरफ आप मंदिर में जाने से रोक रहे हैं और न्याय यात्रा में जगह जगह पत्थरबाजी और इधर उधर आप काम कर रहे हैं, मतलब अराजक तत्व का काम भाजपा सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदया को पत्रक द्वारा जिलाधिकारी को दिए हैं कि यदि उस भाजपा सरकार अपने हरकत से बाज नहीं आएगी तो पूरे कांग्रेस के लोग पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और सारा ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिसकी जवाबदेही भाजपा सरकार की होगी और हर तरह से हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं।